हरि बोल हरे कृष्ण आवाज आ रही किसका हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि कृष्ण चक्षुरे गौरचंद्राय पेड़ बनता है,
कभी लता बनता है, कभी पता बनता है, ऐसे ही चौरास्त लगते के भी जीव भटक रहे हैं। इसलिए ऐसे कुछ जीव है जो पानी में रहता है, ऐसे कुछ जीव है जो स्थान में रहता है, ऐसे कुछ जीव है स्थान और जल दोनों में रहने वाले, ऐसे ऐसे कुछ जीव है, ऐसे कुछ जीव है जो आकाश में घूमने वाले, फिर जब पक्षी है। इसलिए ऐसे करते 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 किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर ये पता थोड़ा गया, ठीक है, कोशिश करना कल मेरे को सुनाने की। अगर ये कथा कि स्वयं भगवान अपना रूप गोस्वामी को ये कथा सुना, कोई बोले ना हम भक्ति किस लिए करें, क्यों करें भक्ति, इसमें इसे अच्छी तरह से बताया। अभी उसमें बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर मिलता है, इसलिए भगवान राम कहते हैं देत ईस विनोदे, मतलब है अगर कोई सोचे अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया था ना, इसलिए तब भगवान ने मानव शरीर दिया, कहते नहीं तुम्हारे किसी पुण्य से ये मानव शरीर तुम्हें नहीं है, क्योंकि इतने जीव, इतने जीव संसार में जब ये शरीर अगर बल गए, अगर इसको कोई कुछ नहीं करे, देखना कितने कीड़े बनेगा शरीर में, कितने कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में, आप देखोगे दुनिया में इतने जीव में इतने शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं शरीर, इसलिए उसी हिसाब से मानव कुछ भी नहीं। इसलिए कहते देत ईस बिनो हेतु स्नेहि, बिना कारण के स्नेह करके कृपा करके भगवान हमें मानव शरीर दे दिया। लेकिन मानव शरीर तो दिया है, लेकिन आप देखना जगत में ऐसे कुछ जीव है जैसे अफ्रीका जंगल आदि में रहते हैं, नंगे रहते हैं, सत्तर रात को बताइए हैं क्या खाना, जो कीड़े मकोड़े मिलता है उसको ही वो खा लेते हैं, ऐसे कुछ जीव होते हैं। बड़े सौभाग्य से कोई व्यक्ति थोड़ा सभ्यता में जो सभ्यता में आते हैं कपड़ा लगता जिसे पहनने वाले, लेकिन उसमें ऐसे कुछ जीव है, ऐसे कुछ जीव व्यक्ति है जो वेद वेद नहीं था जानवर जैसे खास करके है संसार बिता करके मर जाते जानवर जैसे बिता करके कुछ जीव, लेकिन उन्हीं जीव में भी ऐसे कुछ जीव है जो थोड़ी सी वेद शास्त्र को मानता है, वेद रामायण भागवत कोई गलत है उसको मानता है, लेकिन उसमें भी ऐसे कुछ जीव है मानते तो है लेकिन अपना जीवन में कुछ भी पालन नहीं करते, केवल मुंह में मानते हैं। हाँ वेद पुराण त्रिवीर अपना जीवन में कुछ को एकदम उतारते नहीं, केवल मानते हैं। उसमें जो मानने वाले जीवक है ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कर्म में बड़ा विश्वास है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो कहते हैं ना, कर्म करनी चाहिए, कर्म में बड़ा विश्वास है, हैं कर्म करो मतलब ये शरीर को मैं और मेरा मान करके हैं मान करके कि जो करते ही ये कर्म करते हैं, इसलिए जिसको द्वारा क्या होगा आप अच्छे के कर्म करके स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे फिर वहां पर वो भोग भोग के फिर इसी बात से नहीं ऐसे करोड़ों करोड़ों कर्मियों में बड़ी विरल होते हैं जो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब होते हैं जो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति भगवान के रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं, भगवान को एक निराकार निर्विशेष ज्योति लास्ट में उसी ज्योति में ही आप समा जाए, वो जो ज्ञान की निष्ठ होता है। लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानी हमें कोई विरल व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति के तरफ में जिनकी रुचि होती है, भगवत भक्ति में जिनको भक्ति में जिनको रुचि होती है। लेकिन अभी जब भक्ति में जिनको रुचि हुई तो महाप्रभु कहते हैं कहते ब्रह्मांड दर्शिते
कौन भाग्यवान जी? कौन भाग्यवान? कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसलिए उसमें बड़ी सौभाग्यवत को ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण, मतलब ये ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं पशु पक्षी के लिए मकर बदला, लेकिन किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को क्या होता है, गुरु कृष्ण की कृपा से उसको संतों का दर्शन होता है, उनसे जो भगवत मंत्र प्राप्त करते हैं वो भक्ति लता भी उसको प्राप्त होता है। बोले भैया किसको मिलता है? जो बड़े सौभाग्यवान है, सौभाग्यवान वो सौभाग्यवान व्यक्ति को। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था तीन चीज कहते हैं, पाप एक पुण्य और एक सुकृति है। पाप किया, पुण्य किया और सुकृति किया, तीनों में क्या कहते हैं, इसका फल किया, इसका फल किया, इसका फल कथा नहीं सुनने से कैसे होता, इसलिए कथा इसलिए खोल बैठ गए तो चीज बड़े बात बोलना चाहिए। पाप किया, पुण्य किया, सुकृति किया, इसलिए कौन बोलेगा? पाप करना, पुण्य करना, असुकृति क्या रह सकता? तो पाप और पुण्य सुकृति करना सब हटे जाना जो भगवत संबंधी होता है, भगवान के इंद्रवांछन को पूर्ति करता है, जैसे शास्त्र में कोई विधि और निषेध बोला गया है तो उससे पालन करना और उसका आचरण करना इससे पुण्य हो जाता है। मगर शास्त्र में जो निषेध बताया गया उसे करना वो पाप हो जाता है, और अच्छे का कार्य करने से शुभ भी होता है। पाप देखो, पाप उसको कहते हैं जो वेद विरुद्ध कर्म है, जैसे दूसरों को सताना, किस चीज की चोरी करना है, इसलिए अवैध रूप में स्त्री संग करना, मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी फूंकना है, दूसरों को सताना, इसको मार डालना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब पाप, चोरी करना है, इसलिए अगम्य स्थान में गमन करना इसको कहते हैं पाप। बोले इसका क्या फल है? बोले इसका फल है इसमें नर्क भोगना पड़ेगा। फिर उसको बाद में जब भोग लोगे क्या फल, फिर इस जगत के तर्क में यही आना पड़ेगा। बोले पुण्य किसको कहते हैं? वेद में जो जो बात बताई गई, दूसरों को दान पुण्य करो, कुछ स्कूल कॉलेज खोल दिया है, हॉस्पिटल आपने खोल दिया, कहीं अन्न छत्र खोल दिया, दुखी दरिद्र को आपने सेवा किया है, दुखी दरिद्र को सेवा किया, गैया की तुमने सेवा की है, कहते ये किया इसका पुण्य है। बोले इसका फल क्या है? बोले इसका फल है स्वर्ग पहुंचना पड़ेगा, बाकी इसी जगह तुम्हें खूब रुपया पैसा धन दौलत यहाँ मिलेगा, कभी ये पुण्य कर्म करके जीव कभी ये ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? पुण्य मर्त्य लोक विचरती, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर तुम्हें यही आना, फिर तुमको यही आना पड़ेगा। बोलिए सुकृति क्या चीज है? इसका नाम सुकृति, अच्छा तरह से जो समझा। पर ये क्या चीज है? पर ये दोनों चीज से अलग है, ये दोनों चीज का नष्ट हो जाएगी, और ये जो दोनों चीज ये शरीर संबंधी वस्तु, इसलिए शरीर जैसे एक दिन नष्ट हो जाती है ये दोनों चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो सुकृति है
वो आत्मा संबंधी वस्तु, ये कभी नष्ट होने वाले नहीं। जैसे आप लोग मंगलाचरण करते आत्मा संबंधी, जब भगवान वो तो हो गया शरीर जमीन, ये भगवान और आत्मा है। भगवान निमित्त इसलिए भगवान कहते हैं मम्मी मांस जीवन लोक जीव भूत सनातन है, इसलिए भगवान में सनातन और जीव भी सनातन है, ये दोनों सनातन। यदि आत्मा परमात्मा भगवान संबंध जो वस्तु है, यदि ये सुकृति ये जैसे नित्य की वस्तु भी सुकृति भी नित्य, जैसे मंगला मंगलाते हो, तिलक लगाते हो, तुलसी परिक्रमा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, वैष्णव का उद्देश्य में कुछ दान दे दिया साथ, ये आत्मा संबंधी वस्तु, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होता, ये केवल तुम्हारे जीवन में एक कथा होते रहेगा, केवल जीवन में तुम्हारी एक कथा होते रहेगा। जब ये एक कथा होता हो तो जो बड़ा रूप धारण करेगा, फिर इसका फल क्या, उसका फल तो नरक और स्वर्ग हो गया वो खत्म, लेकिन इसका फल क्या है, तो महाप्रभु कह रहे इसका फल है कि ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 जान और अनजान में कहीं तुलसी परिक्रमा कर लिया, प्रसाद पा लिया, कथा सुन लिया है, तुलसी में कहीं पानी तुमने दे दी, कहीं भगवान की प्रसाद दे रहे थे, प्रसाद तुमने अनजान से खा लिया, बस इससे तुम्हारी सुकृति हो। सुकृति जो उत्तम कृति सबसे श्रेष्ठ काम हो गया, जब ये चीज इकट्ठा होगा इसका क्या फल है, इसका क्या फल मिलेगा, तब कहते ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 कोई विशेष सौभाग्यवान व्यक्तियों को जीवन में इसका फल है साधु संग, इसका फल है साधु संग। वे साधु संग में फिर क्या होता है, बोले निज तत्व अवगत, जब साधु संग करके फिर क्या पता चलेगा, पता चलेगा भैया मैं कौन, मैं आया कहां से, फिर सब पहले जो गए वो गए कहां है, फिर गए तो गए कहां, फिर मेरे को भी कहीं जाना पड़ेगा, फिर जाऊंगा कहां, ये भगवान क्या, ये जीव क्या है, भगवान भक्ति क्या, प्रेम क्या, फिर साधु संग में फिर हम अपने आप को फिर पहचान लेते, इसलिए जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास भगवान की नित्य सेवक नित्य दास। जब हम पता चल गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव कौन है, चेतन अमल और सुख राशि है, और ईश्वर का हम अंश है, फिर क्या करेंगे, उसको भगवत कृपा से गुरु जी की कृपा से उसको फिर उसको जो गुरुदेव उसका जो मंत्र प्रदान करते हैं, हरिनाम देते हैं, गोपाल मंत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भक्ति का ये बीज है, हमारे हृदय रूपी खेती में उन्होंने ये भक्ति का बीज उन्होंने बो दिया। अभी गुरुदेव का हमें मंत्र दे दिया, हरिनाम दे दिया, गोपाल मंत्र दे दिया, अरे हम कौन बन गए, हम हो गए एक किसान, हम हो गए एक किसान। अभी हमारा क्या काम है, हमारा काम है उसमें पानी दो, उसमें पानी दो है, पानी दो, बीज तो बो दिया, लेकिन अगर पानी नहीं दोगे तो फिर कैसे बढ़ेगा, कैसे वो बढ़ेगा नहीं, इसलिए केवल गुरु जी को पास में आकर के हरिनाम ले लिया, मंत्र ले लिया, लेकिन अगर साधु सब ने किया पानी नहीं दिया तो फिर वो वहीं पर सूख जाएगा, वो वहीं पर सूख जाएगा, ऊपर आओ जाएगी वही सूख जाएगी, इसलिए क्या करो, नित्य श्रवण कीर्तन जले सचन, उसको नित्य श्रवण कीर्तन जल उसको सचन करो, पानी दो पानी दो, इसलिए कहते ये पानी क्या है, जैसे आप लोग रोज कथा सुनने के लिए आते हो, आरती दर्शन के लिए आते हो, भगवान की सेवा यही पानी दे, इसलिए तुम्हारी जो लगता है ना वो जल्दी 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 बढ़ेगी, अरे एक अंकुर आएगा, दो पत्ता आएगा, फिर उसमें टहनी आएगी, फिर सुंदर सुंदर उसमें फूल आएगा, फिर बढ़िया फल आएगा, इसमें छिलका नहीं फूटी नहीं, वो केवल रसी रस है, फिर वो खाते रहो, वो रस को खूब पीते रहो, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अगर उसमें अगर पानी नहीं दो तो सूख जाएगी,
फिर सूख जाएंगे। इसलिए नित्य श्रवण कीर्तन जल ही कार्य है, लेकिन उसमें और कुछ चीज गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन क्या गड़बड़ी है, अब देखना आप लोग तो पेड़ पौधा कभी लगाते होंगे, जब आप पेड़ पौधा लगाते हो देखना उसको आस पास महीना विशेष करके जो धान की खेती करते हैं, हैं? अब देखना वो खेती का समय में जो और भी दूसरे दूसरे उसमें पेड़ आ जाते हैं, लेकिन जो सही किसान को पहचान इसमें असली पेड़ कौन सा और नकली पेड़ कौन सा, एक श्यामा चावल होता है उसका जो पेड़ होता है ना बड़े काली और बढ़िया सुंदर होता है, बड़ा सुंदर होता है, वो ठीक घाट पेड़ के पास में दिखता है, लेकिन वो जो मेन जो वृक्ष है ना उससे भी देखने में सुंदर होता है, लेकिन अगर जो अच्छे किसान नहीं अगर उसको नहीं फाड़ेगा ना उसका जो रस मिलनी चाहिए धान के वृक्ष को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो दूसरे वृक्ष बढ़ जाएगी और जो सही वृक्षों को दबा देता फिर वो पेड़ आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो सही किसान है ना उसको पहचान है, भैया ये देखने में तो बढ़िया लगता है लेकिन ये पेड़ सही नहीं, इसको उखाड़ देता है, उखाड़ देने पर जो मूल जो वृक्ष है उसको सारे सार और जितने ताकत मिले फिर वो धीरे 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 बढ़ते 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 सुंदर भीतर उदाहरण करेगा। क्या उसी तरह जब हम साधना वगैरह करते हैं उसी समय में और भी तरह तरह का उसमें तरह तरह का उसमें वृक्ष आ जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति उसको क्या करता है जब वो पेड़ को उखाड़ डालता है, जब उखाड़ देने पर है तो सही वृक्ष उसमें रस कर सही वृक्ष को मिलता है, फिर धीरे धीरे पनपना के लिए वो चीज फिर धीरे धीरे आगे धीरे धीरे वो बढ़ती है। फिर भैया बढ़ते 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 फिर कहाँ जाता है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले की जो लता है ये पहले ब्रह्मांड को भेद देता, ब्रह्मांड मतलब जानते हो जैसे भूर भुव स्व है भूर स्व मोह जन तप सत्यलोक, धीरे 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 की लता बढ़ते बढ़ते ये सारे लोग को धीरे 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 पार करता है, पार करते करते ये ब्रह्मांड को भेद कर देता है, ये ब्रह्मांड को भेद कर देता है। फिर उसमें एक बीरजा नदी होती है, वो बीरजा नदी को भी वो पार करता है और पार करते करते धीरे धीरे फिर ये ब्रह्मलोक में पहुंचता है, है? ब्रह्मलोक मतलब जहाँ पर जीव मुक्ति प्राप्त करता है, वो ब्रह्म ज्योति में जहाँ पर जाकर वो समा जाता है। जब वो ब्रह्मलोक में लता धीरे धीरे ब्रह्मलोक में पहुंचता है, है? बोले भैया इसको बढ़ते बढ़ते कहते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और सब लोग को पार करते हुए जा रहा है, मतलब क्या है। गुरुदेव हमें जो मंत्र दिया गोपाल मंत्र दिया और महामंत्र दिया जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हमें गुरुदेव ने ये मंत्र दिया। ये मंत्र किसका मंत्र है, राधा कृष्ण का भगवान राधा कृष्ण का प्रेमी मंत्र। अभी वो बढ़ते बढ़ते लता बढ़ते इसको पार करते हुए जा रहे, पार करना मतलब क्या है, मतलब अरे हमें तो राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए, हमें ये दुनिया की कोई चीज हमें स्वर्ग भोग भी नहीं चाहिए, मोह जन्म तप सत्यलोक भी नहीं चाहिए, बोले क्यों, बोले वहां पर जीव को जो फल मिलती है वो नश्वर है, वो एक दिन वो खत्म हो जाती है, उसका फल एक दिन खत्म हो जाएगा, है फिर पुण्य खत्म होते यहीं पर आना पड़ेगा, इसलिए बोले आग्रह भुवना लोकात पुनर्वा करते अर्जुन, जीव अगर पुण्य कर्म करते हुए ब्रह्मलोक तक भी जाए लेकिन पुण्य कर्म वापिस उनका पुण्य समाप्त होने पर फिर उसको फिर गिरना पड़ता, इसलिए हम जो मंत्र जप कर रहे हैं किसका मंत्र, राधा कृष्ण के मंत्र जप कर रहे हैं, वो मंत्र का जो फल गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन जहाँ जाने से जिंदगी इसी जगत में नहीं आता, इसलिए क्या करता है इसको पार करते 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 कुछ दिन बच्चे बोल रहे थे ना, किसने कहा
गुरुदेव हमारा तो कुछ हुआ है, गुरुदेव का स्वर्गत चाहिए बोले नहीं, बोले तुम बहुत ज्यादा तपल हो बोले नहीं, बोले कहीं पता चाहिए बोले नहीं, बोले तुम अयोध्या चाहिए बोले नहीं, बोले तुम्हें मथुरा चाहिए बोले नहीं, बोले द्वारका चाहिए बोले नहीं, बोले क्या चाहिए बोले गोलोक वृंदावन, हमें गोलोक वृंदावन हमें चाहिए। गुरुदेव बोलते थे तुम बोल रहे तुमको कुछ हुआ है नहीं, इतने बड़ी चीज हो गया तुमको पता चल गया, हम जो भक्ति कर रहे हैं हमें ये दुनिया की पूछी की नहीं, केवल राधा कृष्ण की सेवा हमें चाहिए। तुम कैसे बोल रहे हो कुछ पता नहीं चला, बहुत कुछ तुमको पता चल गया है, इसलिए केवल इसी जीवन में अगर एक चीज पता चले गया ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। इसी जगत में जितने त्योहार देखी है सब भगवान को एक नौकरी में नियुक्त किया, और जितने राम आदि जितने अवतार कृष्ण के अंश अंश के अंश ही सब के सब, अगर इतने चीजें अगर तुम्हें पता चल गया ना, समझे तुमने बहुत बड़ी चीज अगर तुमने समझ गया है। इसलिए लता बढ़ते 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 ब्रह्मांड को पार करते हुए ब्रह्म लोक को भी जाता, लेकिन वहां पर भी वो नहीं रुकता, बोले क्यों, उसका आश्रय वो जो चीज हम चाह रहे हैं वो चीज वहां पर नहीं, इसलिए वैकुंठ का भी पार करता है, क्योंकि वैकुंठ में वहां पर ढाई रस है, शांत कास्य सत्य का आधार, सत्य का आधार वहां पर सबके सब भगवान को ईश्वर मानने वाले हैं, इसलिए भगवान मानने वाले स्तुति करने वाले शांत आकार मुझे सहनम पद्मनाभम सुरेशम सुरेशम विश्व को सबके सब भगवान रूप में पूजा करता है, लेकिन हम लोग तो कृष्ण को हम तो श्रृंगार रस में भक्ति करने वाले हैं, इसलिए लता वहां भी नहीं रुकता है, फिर उसको ऊपर पार कर जाता है, बोले कहाँ जाता है, बोले चले जाते हैं अयोध्या, अयोध्या चले जाता है, वहां पर जो भक्ति है तो भक्ति, लेकिन सबके सब जो तास्य सत्य वात्सल्य भगवान राम का भी सखा है, उनका भी दास हनुमान जी है सखा है, लेकिन भगवान की बराबर आसन में नहीं बैठ सकते, भगवान किस आसन में बैठे हैं, बराबर आसन में तो बैठाते हैं सुग्रीव और श्री विभीषण, लेकिन एक आसन पर नहीं बैठाते हैं, जा करके बैठ नहीं सकते, लेकिन व्रत में क्या है, अगर कृष्ण नहीं बैठा हुआ ना सीता मधुर के सारे तो अगले में बैठ, उसको जैसे एक दोस्त होता है ना एकदम सेंटर में सेंटर घीस करके बैठ जाता है, हाँ सबका करके सखा लोग जाकर ऐसे बैठ जाते हैं वहां पर है, बिल्कुल अकेले बैठे हुए, अगर कोई कृष्ण भी फल खाता होगा हाँ, नहीं तो सखा को भी फल मिला, बोले दलिया बड़ा मीठा फल है, कृष्ण मिलेगा सारे अकेले का प्लेट छपड़ करके उसको झूठे फल को कृष्ण खाते हैं, लेकिन राम कभी उनकी सखा का झूठा फल खाएंगे कभी नहीं, कभी भगवान राम शासन भी कर देते हैं, इसलिए वहां पर सत्य रस है वहां पर, लेकिन मन पर गौरव गौरव मतलब और भगवान उच्च बुद्धि है वहां पर, मां है भाई प्रकट दयाला भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी, इसलिए वहां पर जब भगवान राम प्रकट हुए उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है, उनको पता चला मेरा बेटा कौन है, ये सोया नारायण है, नारायण है यहाँ पर, इसलिए लेकिन इसलिए वहां पर कभी आप सुने भैया कौशल्या कभी राम का कान पकड़े कभी डांट लगा कभी बांध दिया कभी सुने हो नहीं, लेकिन ब्रज में रोज पिटा दे मैं नहीं खिला तो क्या खाएगा, इसलिए भैया शासन करते डांट लगाती है, सीधा अगर मिट्टी खा गया तो सीधा कान को पकड़े, बोले अपवित्र गंदा बच्चा है, गंदे चीज खाते हैं, कभी कृष्णा नारद जी को भी देखने के लिए आए प्रभुपाद जी, लेकिन देखा कृष्णा कुछ थोड़ी देर पहले कृष्ण भैया श्रृंगार की और कृष्ण जाकर के सारे फूल फूल में लौट पर खा गए, बोले भैया मेरे को गोद मिले दूध मिला दूध मिला दे, बोले गंदा बच्चा अभी तेरे को मैंने श्रृंगार कराया स्नान कराया और धूल मिट्टी लगा रखा है तेरे को मैं नहीं लेता हूँ, कृष्ण पक्ष में भैया मेरे को गोद मिले दूध मिला दे, भैया बोले नहीं गंदा गंद नारद जी देख देख करके बोले हे गुरु
जिनकी चरण कोमल जंतव्य समाधिसु विद्रावे पश्यति, जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मात्म दर्शन नहीं पाते, आज वो परम ब्रह्म तरस रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मचल रहे हैं, भैया मेरे को बहुत मिल गया सुगंध में नहीं देती है। इसलिए जो पूर्ण जो वात्सल्य कहाँ पर कर ब्रज में, पूर्ण सत्य ब्रज में, पूर्ण श्रृंगार रस ब्रज में, श्रृंगार रस जैसे सीता है, सीता है, अगर रामचंद्र सीता जी को वन में भेज दिया, वन में भेज दिया कि नहीं, लेकिन ब्रज में उल्टा है। इसलिए जब कहीं गोपियां राधा रानी कृष्ण को घर से निकाल कर जाए जरूरत होती है, घर से निकल के जरूरत कुछ जैसे उसको निकाल दो अंदर में उसको घुसने, इसलिए जो श्रृंगार रस की जो जो पूर्णता की ब्रज में ही है। लेकिन हम लोग का मंत्र जो गोपाल मंत्र जो कृष्ण मंत्र काम करती, ये ब्रज की शुद्ध भक्ति का मंत्र है। इसलिए ये लता तो बढ़ती है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते किसी में ध्यान रखना इसलिए ये लता तो बढ़ती है, लेकिन इसका आश्रय तो स्थल है ना, वो कहीं नहीं होता। क्योंकि हमारा जो मंत्र है वो हम गौरव वृद्धा मंत्र लेने वाले मंत्र है। इसलिए ये लता मतलब होता है भावना, लता मतलब हमारी भावना। ये तो बैठती लेकिन कहीं उसका आश्रय नहीं मिलता है। फिर उसको बैकुंठ का अयोध्या पार करके फिर घर द्वारका में जाता है, फिर द्वारका से फिर मथुरा जाता है, लेकिन वहाँ पर वो कृष्ण को तो भक्ति करते हैं, लेकिन करने पर भी वहाँ पर देवकी है, देवकी वहाँ पर ऐश्वर्य चतुर्भुज वहाँ भी दर्शन दिया है, वहाँ पर स्त्रियाँ होने पर भी महिषिया होने पर भी कृष्ण करके उनका शासन डांट देते हैं, वहाँ पर कृष्ण को सबके सब भगवान मान करके पिता बच्चे पिता मांगने पर भी भगवत बुद्धि है वहाँ पर, इसलिए ऐश्वर्य बुद्धि है। इसलिए वो लता बढ़ते बढ़ते कहाँ जाती है, गोलक और वृंदावन में जाती है, बस वहीं पर उसका आश्रय मिलना। मतलब हम जिस भाव से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं वही भाव केवल गोलक वृंदावन में जाकर राधा कृष्ण के चरण को वो लता जाकर आश्रय ग्रहण करता है, और आश्रय ग्रहण करते हुए है तो भैया फल है, सुंदर फल वहाँ होता है, जिसमें छिलका भी नहीं और जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, जिसमें केवल रसी रस है, तो वो फल को खाता है, बैठ बैठते तो प्रेम फल को वो खाता रहता है, बस आनंद लेता रहता है। लेकिन ये यहाँ पर जब जब गड़बड़ी नहीं होता है, मतलब क्या गड़बड़ी होता है, जब वो लता बैठती है ना उसी समय में कहते कभी अपराध हो सकती है, तो भजन करते करते कभी अपराध नहीं करनी चाहिए, अपराध से हमें दूर रहनी चाहिए। बोले ये कौन सा अपराध, बोले वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए, वैष्णव के बाद में निंदा चर्चा है, वैष्णव के बाद में सब निंदा चर्चा नहीं करनी चाहिए। कहते जैसे एक मतवाला हाथी जैसे किसी बगीचा के अंदर घुस करके सूर भी है, जैसे कि पेड़ अगर उसको काट दो ना जब उसमें टहनियाँ निकल सकती है, लेकिन अगर कोई मतवाला हाथी किसी बांध में घुस जाए, घुस करके जितने पेड़ पौधे को रोक दे और लता पता को पकड़ करके उन्होंने अपना सूर से एकदम अगर उखाड़ दे जड़ समझ ना है, तो और भक्ति होने का चांस नहीं, क्योंकि उखाड़ दिया जड़ से है ना, जड़ से उखाड़ दिया फिर तो पेड़ और होने का चांस है, बोले वो क्या चीज है, बोले कि वैष्णव अपराध है। वैष्णव कल हम लोग उसको सुनेंगे, वैष्णव अपराध कितने तरह का, ये कैसे कैसे ये वैष्णव अपराध होता है, वहाँ से हम कैसे बचनी चाहिए, फिर की कथा हम कर ठीक है। अच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
sama tugas maka dua puluh ribu negara ini apa untuk negara kita ada pencari tiga akan sejauh maka negara kita akan sama tiga maka kita negara kita negara आप लोग ज्यादा अपना जब पढ़ाई करा अपना घर में जाकर अपना साफ होता है ठीक है अब चले जाओ हम अपना ठीक से करते Bye.
Thank you.
Thank you.
दो रह गए अभी, ये जो दोनों है ना प्रभु जी तीनों, इनको तीनों को अर्चन सिखा। सवेरे समय होता है आप लोगों को इनको अर्चन कर, श्लोक इनको मार कर देना, समझ रहे हो? अर्चन श्लोक इनको मार कर देना, ये श्लोक तुम लोग थोड़ा याद कर, ठीक है? जैसे हम चाहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, हम चाहते हैं कभी कभी जैसे ना कभी कभी ये लोग जैसे कभी झूला होगी, झूला में अगर कुछ दिन वृंदावन आ जाएंगे, साधु समय मिलेगा, हरी कथा मिलेगा, फिर थोड़ी सी ना अभी नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी उनकी ताकत मिल जाएगी। हाँ, जैसे कार्तिक में कभी कार्तिक में गए देखते फिर क्या होगा, थोड़ी सी भक्तों का सर्व करेगा, हरी कथा सुनेंगे, फिर इनको थोड़ा ताकत मिल जाएगी। जैसे तुम लोग थोड़ी सीख जाओगे ना, जैसे तुम लोग यहाँ पर थोड़ा अर्चना पूजा कर दिया, फिर अर्चना पूजा कर दिया, फिर वो लोग दो चार दिन उधर तक घूम करके चले जाए, समझे? ये तुम थोड़ा सीख लो, ठीक है? अच्छी तरह से इनको थोड़ी सी कुछ जो मेन मेन श्लोक है इनको थोड़ा सिखा देना, कुछ श्लोक याद नहीं होगा इसको महामंत्र से जो अर्चना पूजा सीख लेंगे, सदाचार कैसे, कपड़ा कैसे पहन कर, नया वस्त्र होनी चाहिए ठाकुर के मंदिर में जाने के लिए, आचमन जो करते हैं, फिर ठाकुर को जैसे पूजा सेवा करते हैं, कौन सीख लेंगे, ठीक है? और देखेंगे और कौन है, थोड़ी सी सीख लेगा तो अच्छा रहेगा। ये लोग वृंदावन में लोग जैसे झूला आ रहे हैं, झूला से पहले जब लोग झूला में आ रहे जैसे आपके आगे हो जैसे नहीं, ये इनको इनको झूला से पहले इनको सिखा दो, ये दोनों ये मंदिर का सेवा जी संभाल लेंगे। हाँ नहीं, हाँ यहाँ पर रहे, तुम लोग चला, तुम लोग जाओ, जैसे ये लोग कार्तिक के बीच बीच में आ जाएंगे, जैसे तुम लोग कभी चले जाओ, ये भी कभी चले जाएंगे, दोनों फिर ना इनको थोड़ी ताकत मिल जाएगी, तब वैष्णव का संग करेंगे, थोड़ा हरी कथा सुनेंगे, है ना? ठीक है ना? ये दोनों को, ये दोनों का अभी थोड़ा कपड़ा ठीक है, कपड़ा तीन दिन तक पहन रहे, तीन दिन तक पहन रहे। सुनो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कपड़ा रख लो जो केवल जब मंदिर मंदिर में करेगा उस केवल उस समय में इसको पहन कर जाना, इसको तो हर समय पहना करते, ऐसे कपड़े ऐसे दो जोड़ी रख रहा कपड़ा अलग रख लेना, यहीं पर रख लेना, जब केवल अंदर में जाओगे तभी इसको पहन करके जाना और ठाकुर का सेवा पूजा सीख लेना अच्छे तरह से। फिर ये तो इनको थोड़ा धीरे धीरे शक्ति मिल जाएगी, और जो कोई यहाँ पर कोई कोई व्यक्ति होएंगे थोड़ी सी जैसे इनके उम्र में कोई बच्चे होएंगे तो अच्छे बच्चे, तो छोटा बच्चा जो मृदंग बजाता है और उन वो है उसका दीक्षा हो गया, उसको हो गया ना, ये बाबा भी कर सकते हैं, ये ब्राह्मण है और यज्ञ हवन करते हैं। ये क्या बाबा क्या, अभी उनको संसार में बहुत सारे दायित्व है, दायित्व नहीं ना, अभी आप लोगों को अभी आप